गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग अपनी ईवेस की बुक और कॉपी निकाल लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, ईवेस का चैप्टर थर्ड कर रहे थे ना हम लोग। यस मैम, चैप्टर थर्ड की आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव कॉस्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अब आयरन की डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, हम वो बताएंगे। ठीक है, लिखिए आंसर फर्स्ट। Diseases caused due to the deficiency of iron are anemia, includes weakness and fatigue, lightheadedness and shortness of breath. ये है आपका आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट क्या है, द डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन आर एनीमिया, इंक्लूड्स वीकनेस एंड फेटिग्यू, लाइट हेडनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, मेरा हो गया, सबका कंप्लीट हो गया। यस मैम, यस मैम। चलिए अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन।
अ फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है, ठीक है? आंसर सेकंड. तो फर्स्ट जानेंगे आप हेडिंग फैट सॉल्युबल विटामिन. इसमें लिखिएगा इट कैन डिसॉल्व इन फैट एंड कैन बी स्टोर्ड एंड कैन बी स्टोर्ड इन आवर लीवर एंड फैटी टिश्यूज फॉर फ्यूचर यूज. सो दे नीड not to be consumed very frequently. पहले सब लोग फैट सॉल्युबल लिखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स. तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहले हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में. तो ये क्या है, इट कैन डिसॉल्व. हाँ ये मैम क्वेश्चन आंसर करवा रही है थर्ड का. हाँ बेटा. ओके मैम. तो सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है, इट कैन डिसॉल्व इन फैट. ये क्या होता है, फैट में डिसॉल्व हो जाता है. एंड कैन बी स्टोर्ड इन आवर लीवर. और कहाँ पे स्टोर्ड होता है, हमारे लीवर में स्टोर्ड होता है. एंड फैटी टिश्यूज, और लीवर में और फैटी टिश्यूज में स्टोर होता है फॉर फ्यूचर यूज, ताकि हम क्या कर सके, फ्यूचर में इसका यूज कर सके. सो दे नीड नॉट टू बी कंज्यूम्ड वेरी फ्रिक्वेंटली. इसलिए हमें हो गया ओके. इसलिए हमें क्या करना होता है, इसको फ्रिक्वेंटली कंज्यूम करने की हमें नीड नहीं होती है. हाँ रिया. ये मैम ईबीएस का वो फिंडो प्लांट नहीं करवाई है क्या मैम? कौन सा बेटा? फिंडो प्लांट होती जो मैम करवाई थी, दो करवा के उसको छोड़ दी थी मैम. ये दो करवा के छोड़ दी थी उसको मैम. आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में करवाना. फिंडो प्लांट्स कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यस मैम. बेटा ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था ना, और मैंने आपको बताया था कि ये इस पेज इस ये मतलब कि किस पेज नंबर पे इसके आपके क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको खुद कर लेना है. नो मैम, बता चुकी मैम. फिर द प्लांट्स को आज करवाना था, तो आपने कहा था नेक्स्ट क्लास. फिर द प्लांट्स छोड़ दी थी, फिर आप गए थे नेक्स्ट क्लास में. अच्छा
ठीक है, एक काम करिए उसको वहीं पे स्पेस छोड़ के स्पेस छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए जो बचेगा, जबकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब दो बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, ठीक है? मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा, ओके? यस मैम। मैम रुके रहिएगा अभी। ओके बेटा, जल्दी करिए सब लोग। सबका कंप्लीट हो गया? यस मैम। यस मैम। विटामिन्स के बाद हम लोग लिखेंगे वाटर सोल्युबल विटामिन। तो सब लोग हेडिंग लिख डालिए वाटर सोल्युबल विटामिन। इसमें लिखिए वी कंज्यूम मोर water soluble vitamins than needed. Our body excretes them out by urinating, so these vitamins aren't harmful if consumed in access. Water soluble. Ma'am. Huh? Vitamins are. फिर से बोलिए रिया। मैम ये थर्ड का आंसर है कि सेकंड का? सेकंड का ही आंसर है ये बेटा। विटामिन्स आर फाउंड इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। Thank you.
सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है किसमें, फैट सॉल्युबल विटामिन में एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन में। तो इससे पहले अभी हमने कौन सा लिखा था, फैट सॉल्युबल विटामिन लिखा था, और हम हमने कौन सा लिखा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन लिखा है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमने क्या लिखा है, वी कंज्यूम मोर वाटर सॉल्युबल विटामिन मीन्स हम क्या करते हैं, हम वाटर सॉल्युबल विटामिन को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं जब भी हमें क्या होती है, इनकी जरूरत होती है ना। आर बॉडी एक्सक्रीट देम आउट बाय यूरिनेटिंग, सो दीज विटामिन आरंट हार्मफुल इफ कंज्यूम्ड इन एक्सेस। तो अगर हम क्या कर लेते हैं, ये जो विटामिन होते हैं हमारी बॉडी क्या करती है, यूरिनेट के थ्रू इसको एक्सक्रीट कर देती है, हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है। तो इसीलिए ये जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो आपको किसमें मिल जाते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और ग्रेन्स में। तो बताइए सबका हो गया वाटर सॉल्युबल विटामिन, नो मैम, जल्दी करिए। कंप्लीट हो गया सबका, नो मैम, बेटा जिसका नहीं हो पाया है वो स्क्रीनशॉट ले ले आंसर्स का। सब लोग जल्दी करिए, सब लोग आप जल्दी जल्दी लिखने की प्रैक्टिस करा करिए, ठीक है। मेरा हो गया, ओके दिव्यांश, सब लोग जो है अब जल्दी जल्दी लिखने की प्रैक्टिस करा करिए, आप स्लो मत लिखा करिए, आप लोग बड़े हो गए हैं है ना। मैं प्रैक्टिस करता हूँ। वेरी गुड दिव्यांश, चलिए अब हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए सी एंड बी वन। अब विटामिन ए सी और बी वन की डिफिशियंसी से
हमें कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं वो आपको लिखना है। आंसर थर्ड, द diseases are caused due to the deficiency of vitamin A, C and B1 R. First है आपका vitamin A. विटामिन ए में लिखिए नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ in children, defective growth of bones and teeth. सब लोग अपनी बुक का पेज नंबर 23 खोलिए। सब लोग अपनी बुक का पेज नंबर 23 खोलिए। उसमें आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा ना विटामिन ए। यस मैम। विटामिन ए में जो डिफिशियंसी डिसीज है 23, पेज नंबर 23, विटामिन ए में जो आपको डिफिशियंसीज दिखाई दे रही है ये है आपका विटामिन ए की डिफिशियंसी। ओके, माफ कर लीजिए अगर आपको जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं तो यहां से माफ कर लीजिए आंसर। देन सेकंड है आपका विटामिन सी। अब पेज नंबर 24 खोलिए, उसमें देखिए विटामिन सी है, उसमें आ जाइए डिफिशियंसी डिसीज वाले ब्लॉक में। देखिए उसमें फर्स्ट आंसर है आपका स्कर्वी, फ्रेंगल, ब्लड वेसल्स, स्वोलन joints, swollen joints and anemia rough and dry skin poor appetite etc. ये आप विटामिन सी में लिख लीजिए, इतना ये आपने बुक में मार्क कर लीजिए सब लोग। हो गया सबका? यस मैम। Thank you.
अब उसके बाद में फिर से आप लोग पेज नंबर 23 पे आइए। पेज नंबर 23 विटामिन B1। पेज नंबर 23 विटामिन B1 उसमें मार्क करिए डिफिशियंसी डिसीज के ब्लॉक में बेरी बेरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, बेरी बेरी लॉस ऑफ एपेटाइट, फेटिग्यू, रिलेटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। ये हो गया आपका B1 में। तो सबको आंसर मिल गया थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अब सब लोग क्या करिएगा? ठीक, अब ये सब, हाँ, इसको सारे आंसर्स को अपनी बुक में, अपनी बुक में से कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेम द डिसीजेस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेम द डिसीजेस शोन इन पिक्चर एंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स बाकी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैम बोलिए। मैम इन द ब्लैंक्स तो करवाएंगे अगले क्लास में। हाँ रिया, नेक्स्ट क्लास में हम फिल द ब्लैंक्स करवाएंगे, तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा, नीचे का पेज है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स को न्यू पेज से लिखिएगा। ठीक के मैम, चलिए बाय बच्चों। बाय मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा, बाय बाय।